नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जबलपुर नर्मदा नदी में रविवार की शाम को दो अलग अलग स्थानों में फंसे चारों ही मछुआरों को भोपाल से आई टीम ने सेना के साथ मिलकर रेस्क्यू कर टापू से बाहर निकाल लिया है। नर्मदा नदी के टापू में फंसे चारों ही युवक जबलपुर के गड़ा पूर्वा के रहने वाले हैं, जो कि मछली मारने रविवार की दोपहर नर्मदा नदी के गोपालपुर गांव पहुंचे थे। शाम अचानक ही नदी में पानी का जलस्तर बढ़ जाने से फंस गए थे। नर्मदा नदी में मछुआरों के फंसने की जानकारी लगते ही कलेक्टर और एसपी मौके पर पहुंचे। सेना के साथ भेड़ाघाट थाना पुलिस के अलावा एनडीआरएफ और होमगार्ड टीम भी लगातार रेस्क्यू कर चारों ही युवकों की जान बचाने का प्रयास कर रही है। नदी में फंसे हुए युवकों को बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम ने पहले बोट का इस्तेमाल किया, लेकिन नदी में पानी का बहाव तेज होने के कारण बोट पलट गई। हालांकि उसमें सवार चारों ही सैनिक सकुशल बचकर बाहर आ गए। सोमवार की सुबह करीब 6:30 बजे भोपाल से आई एनडीआरएफ की टीम ने सेना और स्थानीय पुलिस होमगार्ड के साथ मिलकर रस्सी के सहारे बाहर निकल लिया। थाना प्रभारी सफी खान ने बताया कि टापू में फंसे युवक गड़ा पूर्वक रहने वाले हैं, जिनके नाम मनीष, केवर, संतोष, अमित और शिवम है। पूछताछ में चारों युवकों ने बताया कि मछली मारते समय अचानक पत्थरों में पानी भर गया, जिसके चलते फंस कर रह गए। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। सर, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है, लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया जी। कल शाम को 5 बजे करीब सूचना मिली थी कि चार लोग गोपालपुर के पास नर्मदा नदी में फंसे हुए हैं, तो कल शाम से ही लगातार यहाँ पर प्रशासन की टीम मौजूद थी। पुलिस, होमगार्ड, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के जवान यहाँ मौजूद थे। जिला प्रशासन भी पूरा यहाँ मौजूद था। रात भर काफ़ी पानी यहाँ पर रहा है, काफ़ी जलस्तर काफ़ी बढ़ा हुआ था। उसके बावजूद भी यहाँ पर रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला है और सुबह तक चारों व्यक्तियों को सकुशल निकाल लिया गया। कहाँ के रहने वाले थे ये चारों लोग? गढ़ा पुरवा के रहने वाले हैं, जबलपुर के। किस काम के लिए यहाँ पर ये घूमने फिरने आए थे, उसी दौरान जलस्तर बढ़ गया तो नर्मदा नदी में फंस गए। रात में आकर क्या परेशानी आ रही थी? अब रात में जलस्तर काफ़ी अधिक था और अंधेरा भी था। फिर रात में नगर परिषद के द्वारा लाइट की व्यवस्था की गई थी और जलस्तर काफ़ी अधिक था, इसलिए थोड़ी तकलीफ हो रही थी, लेकिन सुबह तक उनको सुरक्षित निकाल लिया। भेड़ाघाट घूमने के लिए आते हैं तो क्या मैसेज यही देना चाहते हैं कि भाई देखिए, पानी से, जल से सुरक्षित दूरी बनाए रखें। ख़ास तौर पर बरसात के समय में हमको ऐसी जगहों पर जाने से परहेज करना चाहिए और प्रकृति का आनंद दूर रहकर ही लेना चाहिए। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।